नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18, 19 और 20 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उचित होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 18 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों दिन शनिवार का दिन होगा, भगवान शनिदेव का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और रोहिणी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन श्रादी नाम का योग और शुभ नाम का दो शुभ रहेंगे। राहु काल के समय इस दिन सुबह के 9:44 से लेकर सुबह के 11:04 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, मृषाचार नक्षत्र और शुक्ल नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल का समय शाम के 4:21 से लेकर शाम के 5:41 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा जो है इस दिन भी मिथुन राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 20 दिसंबर की बात करें तो सोमवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगा और राधा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। साथ ही दोस्तों, ब्रह्म नाम का भी शुभ योग आखिरी दिन में रहने वाले हैं और राहु काल का जो समय है वह सुबह के 8:26 से लेकर सुबह के 9:45 रहेगा और चंद्रमा इस दिन भी मिथुन राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और यदि यश में कोई विवाद चल रहा है या फिर चल रहा था तो उसके सुलझने के आसार बनेंगे। बुद्धि बल पर समस्याओं को नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल होंगे। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो धन की कमी महसूस होगी, धन का जो है आगमन और व्यय बहुत तेजी से होगा। दोस्तों, यश में आर्थिक स्थिति अनियंत्रित रहेगा, कार्यों में बाधा आ सकती है, लेकिन दोस्तों धैर्य और संयम के साथ आप अपने कार्यों का पालन करें। दोस्तों, यश में बच्चों को इस गोचर के दौरान जो है परेशानियां उठानी पड़ सकती है। वही दोस्तों, ये जो दिन है आपके लिए सकारात्मक परिणाम भी देने वाले हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरने वाला भी समय होगा। आप जो दोस्तों अपने लक्ष्य को तेजी से और बढ़ाने की स्थिति में यश में रहें, केवल अपनी टीम या फिर अपने काम से जुड़े लोगों के साथ ही संवाद बनाए रखें। दोस्तों, यश में ग्रह गोचर की स्थितियाँ संकेत कर रही हैं कि कुछ गलतफहमी या फिर बातचीत की कमी आपके काम के परिणाम को थोड़ा जो है प्रभावित कर सकता है। यश में आपको बातचीत में या फिर अपने शब्दों के चयन में जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है, जो लोग सेल्फ या फिर मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए जो है टारगेट का दबाव हो सकता है। बिजनेस के लिए जो दिन है अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, विशेष रूप से धन संबंधी मामलों के लिए यश में आपके लिए लाभ ही लाभ कराएगा। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य यश में पूरे होंगे। साथ ही दोस्तों, करियर में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे दोस्तों आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके जीवन साथी को आपकी मदद से जो है कोई लाभ मिल सकता है जिससे दोस्तों उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही आपकी छवि भी यश में अच्छा हो जाएगा और आपकी छवि को भी यश में फायदा मिलेगा। वही दोस्तों, यश में आप उन्हें कोई सुंदर सा उपहार भी भेंट करा सकते हैं। दोस्तों, इससे आपको जो है लव लाइफ का जो जीवन है और भी बेहतरीन होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें यश में कोई प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है, सोच विचार करके ही रिश्तों को आगे बढ़ाएं, ये गणेश जी का सलाह है।
वहीं दोस्तों यश में आपकी हेल्थ की बात करें तो आपको कब्ज या फिर एसिडिटी जैसी समस्या परेशान कर सकती है। दोस्तों इन दिनों में घटना दुर्घटना के योग हैं। गणेश जी ऐसा भी कहते हैं कि बच्चों को वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। वहीं दोस्तों यश में आपको भाग्यशाली रंग रहेगा सिल्वर और आपका भाग्यशाली अंक रहेगा 2। दोस्तों ये जो समय है आप संतानों के साथ अधिक घनिष्ठता का अनुभव करेंगे और उनकी जो है प्रवृत्तियों में रुचि लेंगे। कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। दोस्तों इसमें विद्यार्थी वर्ग के लिए समय पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। व्यापारियों को व्यापार में कलात्मक जो है लाभ मिलने की संभावना बन रही है, ऐसा गणेश जी कह रहे हैं। वही दोस्तों यश में आपकी धन को लेकर बात करें तो यश समय में कार्यस्थल पर चीज़ें सुचारू रूप में चलेंगी। आप अपने हसमुख व्यक्तित्व से अपने मालिक को यश में प्रसन्न करेंगे। दोस्तों हिसाब किताब लगाने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे उसमें सतर्क यथार्थवादी और निर्णायक रहेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपकी रोमांस अचानक कहीं खत्म होने वाली वासना की ओर बढ़ सकती है। दोस्तों यह समय परिजन आपके भावुक मूड को देखकर खुश होगा। यह घरेलू मामलों या फिर जिम्मेदारियों पर चर्चा करने का सही समय नहीं है। दोस्तों यह समय अपने दिल की सामग्री के लिए दिन का आनंद लें, गणेश जी ऐसा कहते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो समय है इस अवधि में आप बैंक स्टेटमेंट्स पर विचार करने के लिए जो समय है बहुत ही अच्छा रहेगा। आय बनाम व्यय के स्रोतों पर आप ध्यान दें, इससे जो है भविष्य के संदर्भ में आप अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकेंगे। दोस्तों यश में आप खुश होने के साथ ही स्वस्थ भी रहेंगे, भाग्य आपके पक्ष में यश में होगा। यदि आप काम या फिर खुशी के लिए यात्रा करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी खुशियां यश में आपको हासिल होगी। उत्साहित रहते हुए आप यश में दूसरों को भी अपनी ओर प्रेरित करेंगे। दोस्तों यश में अपने बच्चों का प्रदर्शन आपको बहुत खुशी देगा। बिना विचार किए आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों यश में बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। आपकी पीर का मूड जो है यश में ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दोस्तों सोच समझकर कोई भी यश में आप काम करें। दोस्तों जो है साझेदार में संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। दोस्तों यश में वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को भी वक्त देना आवश्यक होगा, यह बात यश में समझेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। दोस्तों यश में आपका जीवन साथी आपके सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। दोस्तों यश में अगर संभव हो तो अपने घर में एक कुत्ता पालें, इससे जो है आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। दोस्तों यश में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों यश में आशीर्वाद फलीभूत होने के लिए भूलकर भी बच्चों को गालियां ना दें, न ही कोसें। अक्सर माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई न पढ़ने पर कहते हैं कि तू न ही होता तो अच्छा था, या फिर घर से चला जा, मर ही जाए तो अच्छा था। दोस्तों यह विनाशकारी श्राप भूलकर भी ना दें। याद रखें 10 आशीर्वाद मात्र एक श्राप को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों यश में इनमें आप परिवर्तन करें, यश में आपका घर, इनसे आपका घर सुखमय जाएगा। तो दोस्तों इन्हें आप जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे।